शाम लगभग 7 बजे अनिल पासी पुत्र गणेश पासी निवासी सेमरा सहसो प्रयागराज ब्लॉक बहादुरपुर से वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में ही गांव के जितेंद्र सिंह पुत्र राम मूर्ति सोभित सिंह पुत्र विनोद सिंह करण सिंह पुत्र विनोद सिंह जाति ठाकुर निवासी सेमरा सहसो ने गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए का प्रयास किया तो भाग आए परंतु जब उनके पिता गणेश प्रसाद पासी पुत्र सुरजन पासी हत्यारोपियों के घर जाकर झगड़े का कारण जानना चाहा तो उनके घर पर पहुंचने पर तीनों आरोपियों सहित परिवार वालों ने भी गणेश पासी पुत्र सुरजन पासी को धारदार हथियार एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या जिसमें अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब लिखा गया था तब ठीक है अब हो गया और सभी आरोपी घर छोड़कर आज फरार हैं जिसको लेकर हमारी निम्नलिखित मांगे हैं। समस्त आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। दूसरा पीड़ित परिवार को आत्मरक्षा हेतु 2 शस्त्र लाइसेंस तत्काल दिया जाए। तीसरा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद 1 सरकारी नौकरी और उचित जमीन का पट्टा तत्काल दिया जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त मांगों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आदेशित करने की महान कृपा करें अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से यह जाएगा और राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को इसका प्रति और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार उनको यह प्रति इसका जाएगा। ये पूरा समाज आज आप सभी के बीच में माननीय गणेश पासी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए माननीय SDM महोदय के माध्यम से यह हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापित संबोधित ज्ञापन हम लोग देंगे और आशा होगी कि SDM साहब भी हमारे इस ज्ञापन में संतुष्टि करेंगे।